गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज डे 4 फ्रॉम श्रीनगर एंड आज का हमारा आसपति आइटनरी प्लान था दैट वी वर सपोज टू हेड टू गुलमर्ग एंड डू द गोंडोला राइड एंड वहीं पे हमारा स्टे होने वाला था बट देर इज़ सम इशू क्योंकि टिकट्स नहीं मिल रहे हैं इज़ वॉट द वॉन्डरन पीपल हैव टोल्ड अस एंड बहुत टूरिज्म बढ़ गया है इस टाइम पर इसलिए टिकट्स मिलना मुश्किल हो रहा है एंड दैट इज़ द रीज़न वी आर गोइंग टू गुलमर्ग बट द गोंडोला राइड माइट not happen today and we will be going for it tomorrow so that's the plan for today let's see how the day goes climate all good health all good and if you ask me about the overall experience so far of kashmir it's going really well so let's go to gulmarg so we were en route gulmarg aur yahan se aur lagbhag gulmarg ek ghanta hai humne ek halt liya hai at snow world The Snow World is about, the garments which are famous in Kashmir. Hai. That includes Feran, Pashmina shawls and many other garments. So, we'll be seeing that. I'll give you an overview because this is one of the best places here where people prefer to come and then they shop. Pashmina. Well, how do you differentiate between a normal Pashmina and... Yeah, there is two things. जो हमारे पास प्योर पश्मीना रहता है जब उसमें पहले जो होता है जब भी आप किसी स्टोर से लेंगे ना जैसे आप डायमंड ले रहे हैं गोल्ड ले रहे हैं किसी भी जगह से ले रहे हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं ऑथेंटिकेशन अप बाय द गवर्नमेंट तो आप जितने भी फेरे वाले हैं ना जहाँ से भी आप फेरे वाले उनसे कभी भी मत ले लीजिए क्योंकि आप अगर आप स्टोर से ले रहे हैं ना तो आपको पता है अगर आप रिफंड भी करना है या रिटर्न भी करना है सो यू कैन गो द जेन्युइन प्लेस और दूसरी बात जो पश्मीना में रहता है जब हम पश्मीने का लास्ट वाला ये थर्ड निकालते हैं ना जब हम उसको जलाते हैं पहले वो जो वो प्योर ब्लैक नहीं होगा जब वो जलाते हैं ना तो ये ब्लैक नहीं होगा थर्ड जो होगा ब्लैक वो एश के सर क्योंकि ये ऑर्गेनिक होता है दूसरा इसमें कोई पॉलिस्टर नहीं मिक्स होता है सो अभी हम देने वाले हैं नून चाय इन्होंने हमारे लिए खास अरेंज करके दी है ये क्या होती है कैसे बनती है इज व्हाट दे आर गोइंग टू टेल अस ये दिखती है गुलाबी आप प्लीज बताओ कैसे हम क्या करते हैं पहले हम पानी बॉयल करते हैं तीन घंटे उसमें हम डालते हैं नून चाय डालते हैं गुड़ डालते हैं और एक नमक डालते हैं तीन घंटे पहले उबालते हैं पूरा उबालते हैं तीन घंटे के बाद इसमें दूध डालते हैं और फिर एक दो बार और उबालते हैं फिर कश्मीर में समावार होता है समावार में डालते हैं उसमें तामा का होता है फिर उसमें क्या होता है अंदर से कोयले होते हैं फिर उसी में ये चाय रखते हैं जितने टाइम ये चाय उसमें रहती है ना उतना ये ज़्यादा ज़्यादा मीठा होता है गुलाबी अच्छा उस वजह से हाँ फिर भी गुलाबी का एग्जैक्ट रीज़न क्या है गुलाबी मतलब जो इसमें जो हम पाउडर डालते हैं और जो चाय की पत्ती है वही इसमें गुलाबी पनाती है Hey guys, good afternoon. This is Amit and you are watching AW Chronicles. So, अभी टाइम हो रहा है 2:16. हमने यहाँ पे पारसास पे लंच हॉल्ट लिया था एंड हमने खाया है बटर चिकन कढ़ाई चिकन एंड लच्छा पराठा सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स गुलमर्ग जो यहाँ से लगभग एक घंटा और है आधे से एक घंटा एंड उसके बाद वी प्रोबेबली वुड बी डूइंग दी ATV राइड्स एंड चेकिंग टू अवर होटल एंड थोड़ा बहुत लोकल साइट सीइंग डिपेंडिंग ऑन कैसे जमता है कितना फीजिबल पड़ता है एंड माहौल अगर बताए तो काफ़ी अच्छा है क्लाइमेट इज़ सनी टुडे इट्स इम्प्रूविंग डे बाई डे इनिशियली आपको पता है बहुत ठंड थी अभी काफ़ी अच्छा है एंड व्यू इज़ लाजवाब व्यू है और हम पहुंच चुके हैं गुलमर्ग ये हमारा होने वाला स्टे आज का which is welcome hotel and if you see there this is the beauty of Gulmarg so right now time ho raha hai 3:10 hum aa chuke hai Gulmarg abhi hum check in nahi kar rahe hain and instead hum pehle abhi sightseeing karenge local jitna bhi hai ATV rides bhi karenge shayad se and then we'll be coming back
your hotel, which is welcome. आधा टूरिस्ट के लिए, आधा फौज के अंदर. अच्छा, आगे हम दिखाएंगे ना कहाँ का फौज लगा है. आप यहीं पे रहते हो सारे? नहीं, जहाँ से नीचे वो गांव देख रहे हैं ना, हाँ, वहाँ से हम सारे रहे आज. ये समझे 10-20 किलोमीटर बस. ये कैसा है? ये सब शाम का टाइम है. नहीं नहीं देखा. अच्छा, ये तो नहीं देखा. ब जो तीर से अपने हाथ से दे दे. ये है व्यू पॉइंट, इसे व्यू पॉइंट कहते हैं. यहाँ पे हमारा फर्स्ट हॉल्ट हुआ है पोनी राइड का. ये किधर ही पाए मार. आ जा. ये नहीं जाएगा. रुक गया. अंकल पकड़ो ना इसको. अरे मत डर सोच. रुक कर है. एंड ये वीरू नाम है. मीट वीरू. मीट धन्नो. फ्रॉम शोले. तुम्हारा नाम क्या है? उनका नाम क्या है? इसका नाम है राजू. राजू. हाँ, गब्बर सिंह आ गए. अरे वो गब्बर सिंह. हाँ. चल वीरू. सो अभी हमने जस्ट चिल्ड्रंस पार्क तक पहुँचे है. एज आई सेड, हमारे चार पॉइंट है पोनी राइड के. एंड वी हैव डन विद अ फर्स्ट, दिस वॉज व्यू पॉइंट. और ये दूसरा है चिल्ड्रंस पार्क. अगर आप में से कभी किसी ने घोड़ा चलाया है और आपके ऐसा कोई वियर्ड हादसा हुआ है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या हुआ था आपके साथ. या तो आपका कोई एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था, स्पेशली इन कश्मीर, क्योंकि ये है अभी गुलमर्ग में. तो डू लेट मी नो. हटो. रवि हमारा वीरू घास खा रहा है. वीरू बस. वीरू क्या बात. दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग अ पोनी ऑल अलोन. आई नो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट एट द सेम टाइम. लेकिन अगर आप सच्ची बताओ मैं आपको तो. सो हमारा पोनी राइड अभी हो चुका है. एंड दिस इज द शिव जी का टेम्पल. शिव जी टेम्पल दर्शन भी हो चुका है. एंड अब वहाँ पे अगर देखोगे दैट इज़ आवर वेलकम होटल गुलमर्ग वाला. एंड हम पूरा ये सर्किट पूरा गुलमर्ग वी हैव डन ऑन अ पोनी राइड. एंड जैसे कि आपने देखा ही है, जो मेरा घोड़ा था, मेरा पोनी था, उसका नाम है वीरू और इसके पोनी का नाम है धन्नो, इंस्पायर्ड फ्रॉम शोले. आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल AW क्रॉनिकल्स. एंड प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स, शेयर योर ओपिनियंस. अगर आपको कुछ चीज़ लगी है जो मैंने मिस की है, या कुछ चीज़ लग रही है जो आपको पसंद आई है दिल से, प्लीज़ ऐड इन द कमेंट्स. टिल देन लेट्स गो अहेड टू आवर होटल इन गुलमर्ग एंड एंजॉय. और ये चल रही है काम की बातें छुट्टियों पे. Two years as in job. Oh, bhai, maro mujhe maro. Good evening, guys. बहुत ठंड हो गई है गुलमर्ग में. It's around 11 to 12 degree Celsius. And हम यहाँ पे आए local shop पे. And we wanted to buy gloves. So हमने ये ले लिए हैं. They gave us for 140. इन्होंने भी ले लिया है. And Gaurav has taken blue color, and Karishma has taken a cap purple. That's it. Abhi we are heading back to the hotel for dinner. See.
गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुलमर्ग. सो दिस इज अमित वाघमारे एंड यू आर वॉचिंग AW क्रॉनिकल्स. आई हैव जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट विद माई ट्रिप फ्रेंड्स एंड द वन एंड ओनली सुष्मिता. एंड अभी हम जा रहे हैं गोंडोला राइड के लिए. फाइनली टिकट अरेंज हो गई है. लकीली there is a lot of crowd, but fortunately we have got the tickets and now we have to stand in a queue because queue bahut lagti hai. So that's why we have planned to go early. I guess 8:30 ki pehli hoti hai ride and usse sabse every hour there's another ride. So we'll get an idea. I'll share more details once we go there and I get the glimpse of all these timings. Also the views right now, if I show you, you'll go dead. So these are the beautiful views of Gulmarg. You cannot miss this. अगर आपने सोचा भी कि यार नहीं कुछ और कर लेंगे, but ऐसे मत करो. If you plan to come to Kashmir, Gulmarg has to be on your list. You cannot miss this. Just see all these trees, snow mountains, snow capped mountains. तो अभी हम जा रहे हैं शूज़ लेने के लिए बिकॉज बर्फ़ में जाना है एंड हमारे जो शूज़ है फिलहाल दिस वोंट बी गुड इनफ एंड गीले हो सकते हैं. पूरी ट्रिप चलानी है तो वी हैव टू टेक सम गुड शूज़ फ्रॉम योर. 9-10 रहेगा. अब दे दो आइडिया आएगा. हाँ शूज़ भी सही. दूसरा कलर नहीं है क्या? नहीं ये इसी कलर का ब्लैक. ठीक है ये आएंगे ना? क्यों नहीं आएंगे? नहीं हो जाएंगे ना ऐसे लूज है. कितना लूज है ये देखो. ऐसा इजीली निकलेगा. पैर उठ रहा है तो निकल रहा है पैर. एक दे दो साइज छोटा. सो ये बूट्स हमने पहन लिए हैं जो स्पेशली हमको चाहिए फॉर द स्नो वंस वी रीच ऑन द टॉप. सो दिस इज एग्जैक्टली द शूज लुक लाइक. बहुत डिफिकल्ट है इनिशियली चलना. अभी थोड़ा बेटर लग रहा है. जब पहने थे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे थे. हेलो. सो ये व्यूज़, ये शूज़ और ये वातावरण काफ़ी ब्यूटीफुल. यहाँ से और लगभग 7-8 मिनट हैं टू रीच द गोंडोला स्टार्टिंग लाइन जहाँ से हम गोंडोला राइड लेने वाले हैं. दैट पार्ट यू सी राइट देयर वो जो ग्रीन रूफ है वहाँ तक भी आप लोग. आप अगर ऐसे व्यूज़ में चलने बोलोगे हु वुड नॉट वॉन्ट गाइज. मतलब क्यों आप मना करोगे? आप अगर ऐसे मुंबई में चलना चलाओ हमको इतने किलोमीटर, नहीं सॉरी नहीं हो पाएगा. यहाँ पे हो जाएगा. फाइनली इतना चलने के बाद हम पहुँच चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ गोंडोला राइड. सो लाइन काफ़ी लंबी है. दिखाते हैं आपको. रुको अभी हम अंदर जा रहे हैं गोंडोला. लेट्स सी हाउ लॉन्ग इज द क्यू गोना बी. लुक एट दैट. दैट्स द क्यू. यहाँ पे आ जाओ. देखो एक एक करके जाना है, एक साथ नहीं जाना है. एक एक करके यहाँ पे आ जाओ. पहले आप जाओ उस साइड से, अपना ग्रुप वहाँ पे किधर है ग्रुप में जाओ. सो आप जो देख रहे हो इस एंटायर लाइन इस पर गोंडोला एंड द मोर यू मेस इट अप आप यहाँ पे उतने आपको तकलीफ होती है. तो यहाँ पे इफ यू सी राइट हियर सी दिस ऑल द वे. मेरे को बस वहाँ पे जाना है सो दैट वी काइंड ऑफ मेक इट दिस एंटायर एरिया इज कवर्ड. एंड देख रहे हो द लाइन. सिंगल लाइन है ना, हम काम मना कर रहे हैं. हाई फाई दे लोकर.
हाई फाई दे, हाई फाई दे। So we were in the last row of this internal queue. उसके बाद हमें यहाँ से होकर जाना है एंड सामने आप देख रहे हो there's a gondola ride जो हमको लेकर जाएगी फेज वन। अरे चढ़ जाना है, होता है कल, कुछ नहीं होता है। क्या हो गया? अच्छा ओके ओके ओके। सो वी आर हियर, एक और आएगा ना, वो है ना हमारे दो जन हमारे साथ है। अरे वो हमारे साथ है। रिद्धि चल रिद्धि। अरे आ चल तो। अरे ठीक है तो अपन पास ही आराम से, यहां पे एक आराम से आ सकते हैं। हाय मां, फाइनली आई गॉट टू सिट, आई गॉट टू सिट फाइनली। मैं सो जाऊंगी गोंडोला राइड में। So we are going to phase one of जो ये gondola ride है, ये phase one चल रही है and phase one has 70 gondolas and जो phase two में there are around 40 gondolas. So फिलहाल phase two उन्होंने बंद रखा है. That is the reason why we have been taken currently to phase one. Let's go. Thank you. Phase one में snow नहीं है, दिख रही मुझे. वेरी नाइस। हाँ उड़ाओ, चलो चलो चलो, चालू है चालू है चालू है चालू है। 1 2 3 वेरी नाइस। आपके नाम? मेरा नाम इश्तियाक। इश्तियाक जी, ठीक है इश्तियाक, हमको भी स्लेजिंग नीचे लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके आ गए थे, एक घंटा खेल कूद लिया, फोटोज कर लिए, रील्स कर लिए। आपका नाम क्या है? शबीर अनिल। शबीर, शबीर ले जा रहे हैं रिद्धि को, इश्तियाक ले जा रहे हैं मेरे को, इरफान ले जा रहे हैं सुष्मिता को। ठीक है, अभी सीधा मिलते हैं उस पर। सोश मजा, और फास्ट ले लो। ये बात नहीं है।
This was fun. Okay. Thank you, Sachi. बहुत मजा आया है वहां से आया पर ऊपर सो ये है सैफरन फील्ड्स इन गुलमर्ग बट इस समय देयर आर नो फ्लावर्स इस वजह से नथिंग मच एंड टाइम हो रहा है 8:48 PM इट्स रियली लेट हम पहुंच चुके हैं गेस वेयर पहलगाम इट्स पहलगाम रिजॉर्ट हम चेक इन करेंगे